नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी भी मशीन का, वाटर पंप मशीन का, जी हाँ दोस्तों जो डीजल से चलता है, अगर उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना होता है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में हम आपको आज नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इस मशीन को आप ध्यान से देखते हैं, ये है व्हील, और व्हील के साथ एक यहाँ से एंगल लगा होता है। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। तो आपको करना क्या होता है कि अगर यहाँ से अगर आपको पानी निकालने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको ये जो आपको नट दिख रहा है ये वाले नट को, इसको क्या करना होता है, दोनों साइड से टाइट करना होता है। जी हाँ दोस्तों इसको आप दोनों साइड से टाइट कर देंगे, इस साइड से और आगे वाले साइड से भी। तो ये अगर यहाँ से लीक करता है तो लीकेज का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और पानी फटाफट इसमें आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, इसमें आप लगाएंगे सर्कल तो पानी आ सकता है। तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है मशीनों में, लीकेज का यहाँ से प्रॉब्लम आता है। तो आप इस नट को, इस बोल्ट को टाइट करके आप लीकेज ठीक कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए यही हमारे पास नॉलेज वाली वीडियो थी। फिर दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की नॉलेज वाली वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद।